हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमिताज किचन, कुछ मीठा कुछ नमकीन। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेके आई वेज मैक्रोनी की रेसिपी, जो मेनली मैंने बच्चों को ध्यान में रख कर डाल रही हूँ, क्योंकि ये बच्चों का बहुत ही फेवरेट टिफ़िन भी आप इसको कह सकते हैं। आप टिफ़िन में भी इजली दे सकते हैं, या छोटी सी भूख बच्चों को शाम को लगती है, जैसे बच्चे शाम को या मैगी मैक्रोनी खाना चाहते हैं, तो ये मैं आपको देसी स्टाइल मैक्रोनी बताऊंगी। बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही फटाफट बनती है। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले मैंने एक पैन में पानी रखा हुआ है, मैंने एक कप मैक्रोनी ली है, तो 4 से 5 कप आप पानी डाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, उसको पानी को निकालना ही है। तो इसमें मैंने देखिए पानी गर्म हो गया है मेरा, इसमें मैं ये देखिए एक कप मैंने मैक्रोनी ली है, पानी ठंडे पानी में मत डालिएगा। और इसके बाद इसमें मैक्रोनी डाल दी मैंने, और थोड़ा सा हम इसमें थोड़ा सा एक अराउंड टीस्पून जरा सा कि स्टिक ना हो ये रिफाइंड ऑयल डाल देंगे, और इसके बाद 1/4 स्पून अराउंड ये सॉल्ट डाल देंगे इसमें, और इसको बॉईल होने रख देंगे। अब इसको हम साथ साथ स्टिर करते रहेंगे, क्योंकि ये आपस में स्टिक ना हो। वैसे तो हमने ऑयल डाला है रिफाइंड, तो ये स्टिक नहीं होगा, पर बहुत जल्दी ये हो जाती है 4 से 5 मिनट में मैक्रोनी। तो अब इसको हम चलिए स्टिर करते रहते हैं और इसको बॉईल कर लेते हैं। देखिए 5 मिनट अराउंड हो गए, और देखिए हमारी मैक्रोनी बिल्कुल हो गई है। आपको पता कैसे चलेगा, ये देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, ये देखिए अब मैक्रोनी बिल्कुल हो गई है। अब हम इसको स्ट्रेन कर लेते हैं फटाफट, और फिर हम मैक्रोनी बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने मैक्रोनी स्ट्रेन कर लिए अच्छे से, और ठंडे पानी से धो लिए, क्योंकि आप कभी भी इसको बॉईल करेंगे, बॉईल करने के बाद इसको हमेशा ठंडे पानी से ज़रूर धोइएगा, क्योंकि नहीं तो ये अगर आप नहीं धोएंगे तो ये अपने ही जो इसका टेम्परेचर होता है उससे ओवरकुक हो जाएगी। तो इसको हमने ठंडे पानी से अच्छे से वॉश कर लिया। चलिए अब हम मैक्रोनी बनाना स्टार्ट करते हैं। मैक्रोनी बनाने के लिए सबसे पहले हम अराउंड 1 टेबल स्पून बटर डालेंगे, और उसमें थोड़ा सा रिफाइंड डालेंगे या ऑयल, क्योंकि अगर हम नहीं डालेंगे तो बटर जलने के चांसेस रहते हैं। तो थोड़ा सा रिफाइंड डालेंगे इसमें, हम इसको अच्छे से थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। बच्चों क्या सोच के बना रही हो तो बटर ज़्यादा डालिए, आप चाहें तो रिफाइंड में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक कप मैक्रोनी का मैं आपको बता रही हूँ हिसाब से, आप ज़्यादा बनाना चाहें तो उसी हिसाब से बढ़ा लीजिएगा। ये मैंने एक बड़ा कप कटा हुआ फाइनली चॉप आनियन है, अब हम इसको अच्छे से अनियन को ये इसमें ऑयल में या बटर में अच्छे से इसको स्टिर कर लेंगे 2 से 3 मिनट तक। इसको हमने बिल्कुल भी लाइट पिंक ब्राउन या जो भी कुछ भी नहीं करना है, हमें इसको हल्का सा पर ये ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे बस उतना ही प्याज को करना है। देखिए हमारे अच्छे खासे प्याज हो गए हैं बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताए थे। इस टाइम पे ये देखिए मैं इसके बाद इसमें डालूंगी ग्रीन चिली भी ऑप्शनल है। अगर आप नहीं बच्चे खा रहे हैं, बच्चे हरी मिर्च नहीं खाते हैं, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, इसको मत डालिएगा। एक ग्रीन चिली डाली है मैंने, और इसके बाद मैं इसमें डालूंगी 1 स्पून भर के ब्लैक पेपर। एक स्पून अराउंड ये देखिए सॉल्ट डाल दिया मैंने। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से देख लीजिएगा कितने कैसे खाते हैं, क्योंकि और मैंने बटर भी यूज़ किया है अमूल बटर, तो उसमें भी सॉल्ट होता है। तो ये मेरा हो गया, अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये देखिए मैंने एक बड़े साइज का टमाटर फाइनली चॉप टमाटर यूज़ किया है। अगर छोटे हैं तो आप 2 ले लीजिएगा टमाटर। अब इस टाइम पे हम इसको 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे और सिम पे कर देंगे, गैस को स्लो फ्लेम पे कर देंगे। 2 मिनट हो गए, अब इसको हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारे टोमेटोज, इनको थोड़ा सा दबा लेंगे। और अगर आपके बच्चे, कई बार बच्चे टोमेटोज नहीं खाते कि वो में उसका छिलका आ रहा है या आ रहा है, तो आप इसकी जगह टोमेटो प्यूरी भी यूज़ कर सकती हैं, 1 से 1.5 टेबल स्पून, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बच्चों को ये ज़रूर होता है कि टमाटर का दिखाई ना दे, उसमें सब्जी में से निकालते रहते हैं उसका छिलका, तो आप अवॉइड कर सकते हैं, आप प्यूरी डाल लीजिएगा।
ये देखिए अब हम डालेंगे 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने हाई फ्लेम पे कर दिया है। और इस टाइम पे हमने देखिए ये कैप्सिकम, हाफ कैप्सिकम काटी हुई है छोटी छोटी, और हाफ कैरेट काटी हुई है। आप इसमें और वेजिटेबल्स भी, बीन्स डाल सकते हैं, कॉर्न डाल सकते हैं, आप जो भी बच्चों को पसंद हो आप वो डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से स्टेक कर देंगे। एक मिनट के लिए अच्छे से कर लेते हैं हम लोग। देखिए 1 मिनट हो गया है। अब इस टाइम पे हम इसमें ये जो हमने मैकरोनी बॉईल करके रखी हुई थी वो डालेंगे। उससे पहले हम ये डालेंगे 1 टेबलस्पून मेयोनीज। बच्चे मेयोनीज भी बहुत पसंद करते हैं। इसका टेक्सचर बहुत स्मूथ हो जाएगा मेयोनीज डालने से। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद इसमें हम ये जो मैकरोनी हमने रखी हुई थी वो हम इसमें डाल देंगे। इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें जितनी वेजीज डालना चाहते हैं उतनी डालिए, क्योंकि बच्चे वेजिटेबल्स वैसे तो खाते नहीं है। अब आप इन चीज़ों में डाल के बच्चों को खिलाएंगे तो एटलीस्ट बच्चे कुछ तो खा लेंगे ना। इसमें देखिए बीन्स डाल सकते हैं आप, कैप्सिकम और कैरेट तो ऑलरेडी मैंने डाली है। देखिए हमारा इस टाइम पे अब हम इसमें देखिए चिली फ्लेक्स डाल देंगे 1/2 टीस्पून, और ओरिगैनो डाल देंगे 1/2 टीस्पून, और इसको अच्छे से फिर मिक्स कर लेंगे। एक हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट बचा हुआ है, ये देखिए मैं थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ इसमें। अगर आपके पास नहीं है तो आप 2-3 चीज़ स्लाइसेस भी डाल सकते हैं ऊपर, ऐसे ही रख दीजिएगा इसके ऊपर और वो मेल्ट हो जाएंगे। मैंने 1 टेबलस्पून मोज़रेला चीज़ लिया है। अब इसको ऊपर कर दिया। अब इसके बाद हम इसको कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए, उसके बाद हम चलिए देखते हैं। चलिए अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए चीज़ को देखिए पूरा मेल्ट हो गया। ये देखिए कितनी चीज़ी मैकरोनी बन गई, और बच्चे तो चीज़ आपको पता ही है बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये देखिए चीज़, ये देखिए बच्चे तो मज़ा आ जाएगा बच्चों को, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिए। चलिए मैं इसको सर्व कर देती हूँ। देखिए ये मैंने सर्व कर दिए, चीज़ी मैकरोनी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप बच्चे तो क्या, मैं बच्चों का नाम ले रही हूँ, आप बनाइए देखिए, घर के बड़े भी सब बहुत पसंद करेंगे और आपको खुद भी बहुत अच्छी लगेगी। तो इसको ट्राई करिए और बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी, और बाकी भी आप मेरे वीडियोज़ देख रहे होंगे वो भी कैसे लग रहे हैं, तो प्लीज़ ज़रूर 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 बताइएगा, क्योंकि आप लोगों के सहयोग के बगैर मैं आगे कुछ भी नहीं कर सकती। क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि जिससे इजी से इजी रेसिपीज़ आप लोगों को बताऊँ, जो घर में अवेलेबल सामान है उससे बताऊँ, ज़्यादा आप लोगों को इधर उधर भागना ना पड़े सामान के लिए। तो मेरा ये एफर्ट आप लोगों को कैसा लग रहा है तो ज़रूर बताइएगा प्लीज़। और अगर अच्छे लग रहे हो मेरे वीडियोज़ तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।